खेती कानूनों नूं लैके किसानां दे प्रदर्शन नूं जिथे 26 मई नूं 6 महीने पूरे होण वाले हन परंतु केंद्र दी सरकार हले भी किसानां दी गल सुनण लई तैयार नहीं है। उत्थे संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों जनता नूं अपील कीती सी कि 26 मई नूं प्रदर्शन वजों घरां दीआं छत्तां अते अपने वहीकलां ते काले झंडे लगा के अते चौंक चौराहे अते पिंडां च वी केंद्र दी सरकार दा पुतला फूक के काले दिवस वजों मनाउण। परंतु हुण भारतीय किसान यूनियन दे आगू गुरनाम सिंह चडूनी ने लोकां नूं अपील कीती है कि इस दिन नूं काले दिवस वजों कह के संबोधन ना किया जाए बल्कि रोष प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि 26 मई नूं बुद्ध पूर्णिमा भी है जिसनूं देखते हुए किसी दीआं भावनावां नूं ठेस ना पहुंचे, इसलिए इसनूं काला दिवस ना कह के रोष प्रदर्शन किया जाए। साथियों नमस्कार, आपको पता है कि कल हमारे आंदोलन को चलते 6 महीने हो जाएंगे और मोदी सरकार को चलते 7 साल हो जाएंगे, इसलिए कल सभी ने अपने व्हीकलों पे अपने घरों पे काले झंडे लगा के रोष प्रदर्शन करना है और मोदी के पुतले फूकने हैं गांव दर गांव, और वो भी मोदी का काला मुंह करके फूको। तो ये एक रोष है हमारे मनों में सरकार के प्रति। लेकिन इसके साथ साथ एक बेनती और है कि कल बुद्ध पूर्णिमा भी है और जो वो लोग हैं बेचारे वो हमारे पास आए थे और संयुक्त मोर्चे में, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसका नाम काला दिवस ना रखें। जो सोशल मीडिया ने या दूसरे मीडिया ने काला दिवस एक नाम पका दिया, उन्होंने कहा था इसका नाम काला दिवस ना रखें क्योंकि उस दिन बौद्ध जी का जन्म हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हमने उस दिन फैसला भी कर लिया था कि चलो इसको काला दिवस नहीं कहेंगे। तो मेरी सबसे बेनती है कि इसको काला दिवस ना कहें, इसको रोष प्रदर्शन कहें, मोदी के खिलाफ रोष प्रदर्शन करें, कहें काला दिवस ना कहें, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। और क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं, इसलिए उस दिन ये फैसला भी किया था कि हम अपने सभी मंचों पर बौद्ध की जो है बौद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। जहाँ उनके लोग आ सकते हैं वो अपने तरीके से आके मंच पे मना सकते हैं, और वरना जहाँ उनके लोग नहीं आ सकते वहाँ हमारे सभी भाई सभी मंचों पे सुबह बौद्ध की मूर्ति रख के उस पर पुष्प अर्पित करें, और पुष्प अर्पित करने के बाद ये एक तरह से उनके आगे ये दुआ करें कि इस सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, क्योंकि उस दिन बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है काले झंडे दिखाने का और पुतले फूकने का, उसके बाद ये प्रोग्राम सारे शुरू कर दें। तो मेरी बेनती है कि इसको काला दिवस ना कह के इसको रोष प्रदर्शन कह लें। तो आपने ये प्रोग्राम सभी ने करना है, पूरे देश में करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे करना है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।